सो so, दोस्तों आज हम लोग बात कर रहे हैं सूरमा शेयर्स के बारे में तीन ऐसे सूरमा जो कि आपको भारी भरकम स्ट्रेस दे सकते हैं आने वाले समय में बहुत सारी जगह आपको उनमें निवेश की सलाह मिलेगी कभी कभी आपको भी लगेगा कि स्टॉक इतना बढ़िया है तो हम लोगों को इसमें परचेज कर लेना चाहिए बाई करना चाहिए इसमें तो हमें प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा बट इसी तरह के सूरमा स्टॉक जो कि आज हम बात करने जा रहे हैं आपको किस तरह से पैनिक सिचुएशन दे सकते हैं किस तरह से स्ट्रेस दे सकते हैं इसके विषय में बात करते हैं और आपको बताएंगे कि वो कहाँ तक करेक्ट हो सकते हैं पॉसिबली तो आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा कि कैसे हम लोग को लेबल आइडेंटिफाई करने चाहिए क्या हर स्टॉक में किसी भी समय एंट्री लेने से हम अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं या फिर दिग्गज शेयर्स में भी अगर हमने गलत समय पर एंट्री ली तो हमें भारी भर का मिस्टैक्स का सामना करना पड़ सकता है तो ये वीडियो आपके सारे कन्फ्यूजन्स को दूर करेगा कि हमेशा ऐसा नहीं हो सकता कि बड़ा दिग्गज स्टॉक ही आपको प्रॉफिट देगा या छोटा स्टॉक ही आपको हमेशा लॉसेस देगा बड़े स्टॉक्स भी आपको भारी भरकम स्ट्रेस दे सकते हैं तो दोस्तों बात करते हैं तीन स्टॉक्स के बारे में और ये तीन स्टॉक्स जो तीन शेयर्स हैं जिलेट पर्सनल केयर का हिंदुस्तान यूनिविर पर्सनल केयर का एंड प्रॉक्टर एंड कैम्बिल पर्सनल केयर तीनों ही पर्सनल केयर के सेक्टर हैं पर्सनल केयर के काउंटर्स हैं फिलहाल जिलेट पैंसठ सौ बीस रुपये पर ट्रेड कर रहा है हिंदुस्तान यूनिलीवर अठारह सौ तो चौबीस रुपये पर ट्रेड कर रहा है एंड प्रॉक्टर एंड गैम्बिल नौ हज़ार पाँच सौ चौहत्तर रुपये के पर शेयर प्राइस पर ट्रेड कर रहा है चलिए जिलेट की बात करते हैं सबसे पहले और जिलेट के चार्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करूँगा कि इसका जो गैप है उस पर चवालीस सौ चौहत्तर चवालीस सौ चौहत्तर और पैंतालीस सौ तिरपन इसके बीच में एक गैप क्रिएशन है उसके बाद स्टॉक ने काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया और स्टॉक ने लगभग अपने हाई लगभग सेवन थाउजेंड का लेवल टच किया लेकिन अगर आप लोग इस पूरे चार्ट को ध्यान से देख रहे होंगे तो दोस्तों इस चार्ट में एक खूबी है कि ये पूरा ही स्टॉक लगभग दिसंबर फर्स्ट दो से अब तक एक रेंज बाउंड में चला जबकि मार्केट में एक बड़ी गिरावट भी देखने को मिली और एक अच्छी तेजी भी देखने को मिली लेकिन स्टॉक ने बासठ सौ साठ से लेकर सात हज़ार रुपये के बीच का लेवल ब्रेक नहीं किया ना तो अप साइड में ना ही डाउन साइड में यहाँ पर एक रेंज की तरह ट्रेड किया और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं टेक्निकली तो स्टॉक के बारे में आपको दिखा देता हूँ जिलेट इंडिया के अंदर जो वीकनेस मुझे नज़र आती है जो गिर सकता है जिलेट इंडिया उसके मेन कारण जो है वो प्राइस टू बुक वरियन प्राइस टू अर्निंग रेशो ये दोनों ही बहुत ज़्यादा हैं अगर हम पी रेशो की बात करते हैं तो ए, इंडस्ट्री पी जहाँ पर केवल सेवेंटी का है जिलेट इंडिया का जो प्राइस टू अर्निंग है वो नाइन्टी टू रुपीज़ का है हालाँकि लार्ज कैप का स्टॉक है ये बट जरूरी नहीं है कि लार्ज कैप के स्टॉक्स हमेशा ही भागेंगे वो कभी करक्शन मोड में नहीं आएंगे यहां पर आप देखेंगे प्राइस टू बुक अगर बुक वैल्यू देखेंगे टू हंड्रेड थर्टीन रुपीज़ की बुक वैल्यू है जबकि प्राइस टू बुक थर्टी टाइम्स यानी कि तीस गुना ज़्यादा प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत ही हाईली वैल्यूड स्टॉक है ये यह, यहाँ से इसमें कंसोलिडेशन बनता है आना भी चाहिए क्योंकि ये इसका फेयर वैल्यूशन नहीं है मुझे लगता है कि फेयर वैल्यूशन के लिए आपको वेट करना पड़ेगा लगभग चवालीस सौ साढ़े चवालीस सौ रुपये का लेवल भी हमें देखने को मिल सकता है अगर हम लोग मंथली और मंथली चार्ट को देखेंगे अगर आप तो ट्रेंड एक वीकनेस की तरह इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर एक स्टेट एक एक आप देखेंगे कैंडल्स जो है वो कोशिश कर रही हैं होल्ड करने के जो बायर्स हैं वो कहीं ना कहीं होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं बट मुझे लगता है कि वीकनेस कंटिन्यू है स्टॉक में एक किसी भी समय एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है क्वार्टरली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो बहुत ही हाईली ओवर बॉड जोन के अंदर ट्रेड करता हुआ सेवेंटी फोर के आसपास आर uh, है स्टॉक में एक गिरावट संभावित है मुझे लगता है कि एक एक, एक अच्छे हेल्दी अपमूव के लिए एक अच्छा हेल्दी करक्शन भी बहुत जरूरी है किसी भी काउंटर के अंदर तो फिलहाल 92 की पी पर ट्रेड कर रहा है जो कि इंडस्ट्री पी से काफ़ी ज़्यादा है साथ में जिलेट इंडिया 30 टाइम्स हाई वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है जो कि इसकी प्राइस टू बुक है यानी कि लगभग तीस गुना ज़्यादा वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है जिलेट इंडिया सो फिलहाल जिलेट इंडिया में किसी भी तरह के निवेश से बचिएगा और अभी वेट कीजिएगा लगभग साढ़े चार हज़ार से पांच हज़ार रुपए के बीच का लेवल आपको जिलेट इंडिया के अंदर देखने को मिल सकता है दोस्तों दूसरा काउंटर है हिंदुस्तान यूनिलीवर्स काफ़ी बेहतरीन रन अप दिया है पीछे कुछ समय में और अगर देखेंगे एट्टीन के आसपास ये काउंटर चलता हुआ इसका जो अगर हम लोग बात करेंगे हिंदुस्तान यूनिलीवर का तो यहाँ पर हम लोग अगर जिलेट इंडिया के बारे में एक बात और बताएंगे दोस्तों कि जो क्वार्टरली नंबर्स हैं वो भी पिछले पाँच क्वार्टर्स के अगर हम लोग तो कंपेरिजन करते हैं दिसंबर से सो so आप देखेंगे दिसंबर सोलह में कंपनी ने तीन सौ नवासी करोड़ का सेल्स दिखाया था जबकि दिसंबर सत्रह में चार सौ आठ करोड़ का सेल्स था दिसंबर सोलह में कंपनी ने पचपन करोड़ का प्रॉफिट दिखाया था नेट प्रॉफिट जबकि दिसंबर सत्रह में उनसठ करोड़ का नेट प्रॉफिट दिखाया लेकिन उसके बाद मार्च सत्रह में जहां पर कंपनी ने पाँच सौ पच्चीस करोड़ फाइव ट्वेंटी फाइव करोड़ का सेल्स था वही मार्च अट्ठारह में ये घट के चार सौ बावन करोड़ रह गया मार्च सत्रह में जहां एक सौ छः करोड़ का प्रॉफिट था वही मार्च अट्ठारह में घट केवल के इकहत्तर करोड़ रुपया रह गया जून सत्रह में जहाँ चार करोड़ की सेल्स थी वहाँ जून अट्ठारह में चार करोड़ की सेल्स और जहाँ पर जून सत्रह में अड़तीस करोड़ का प्रॉफिट था वहीं जून अट्ठारह में घट के पैंतीस करोड़ का रह गया सो ओवरऑल इनके जो नंबर ट्रैक्टिव नहीं है कमजोरी है नंबर्स के में भी जो क्वार्टरली नंबर्स कंपनी पेश कर रही है तो इसी वजह से मुझे लगता है कि आ, काउंटर के अंदर वीकनेस आनी चाहिए गिरावट का दौर अभी आने वाले समय में हम इस काउंटर के अंदर भी देख सकते हैं अच्छा चलिए अब हम बात करते हैं आ, हिंदुस्तान यूनिलीवर की आप देखेंगे इसका तो जो पी रेशो है वो सिक्सटी है यानी कि इंडस्ट्री पी के अप्रोक्सीमेटली ही ट्रेड कर रहा हुआ है अपना लगभग अपने इंडस्ट्री पी के पास आ चुका है उसके अलावा अगर आप देखेंगे यहाँ पर बुक वैल्यू के हिसाब से अगर हिंदुस्तान तो फिफ्टी सिक्स टाइम्स अपने बुक वैल्यू से ट्रेड करता हुआ काउंटर फिफ्टी सिक्स टाइम्स यानी कि यहाँ पर भी अगर देखें तो लगभग चौवन गुना प्राइस टू बुक वैल्यू है जबकि जो बुक वैल्यू है केवल थर्टी थ्री पॉइंट सेवन थ्री है और आ, लार्ज कैप का स्टॉक है लेकिन जो प्राइस टू बुक है वो बहुत ज़्यादा हाईली वैल्यूड ओवर वैल्यूड स्टॉक है चौवन गुना यानी फिफ्टी फोर टाइम्स अपनी बुक वैल्यू से ट्रेड करता हुआ तो यहाँ पर इस काउंटर के अंदर भी मुझे लगता है कि आपको वेट करना चाहिए हालांकि हिंदुस्तान यूनिलीवर का टारगेट जो शेर खान है वो दो हज़ार इकहत्तर का दे रहा है बट मैं एग्री नहीं करता फिलहाल हो सकता है दो हज़ार इकहत्तर आएगा लेकिन उससे पहले हिंदुस्तान यूनिलीवर को नीचे आना पड़ेगा करप्शन का फेज़ दिखाना पड़ेगा आपको हिंदुस्तान यूनिलीवर में आपको मैं प्राइस सेगमेंट देख लेते हैं एक बार चार्ट भी देख लेते हैं टेक्निकली तो अगर हम देखेंगे तो क्वार्टरली चार्ट पर बहुत ही हाईली ओवर वैल्यूड लगभग एट्टी सिक्स एट्टी सेवन के आसपास की आर एस आई है अगर हम मंथली बात करते हैं तो लगभग एट्टी के आसपास की आर एस आई है स्टॉक अगर यहाँ से वीकली देखेंगे तो हालांकि स्टॉक ने एक ब्रेकआउट लेवल दिया है वीकली चार्ट सत्रह सौ नब्बे का लेकिन ये एक फॉल्स ब्रेकआउट भी हो सकता है सो कीप अलर्ट क्योंकि फॉल्स ब्रेकआउट्स इसी तरह से होते हैं जो कि अपने हाई यू नो जब आपने पीक पर पहुंच जाते हैं करक्शन फेज में आने के तो वहाँ पर एक हल्का सा ब्रेकआउट देते हैं जिससे जो निवेशक होता है वो उसको ब्रेकआउट मान के पॉजिटिव ब्रेकआउट मान के हर लेवल्स पर पोजिशन बनाता है और उसके बाद स्टॉक में एक अच्छी गिरावट देखने को मिलती है मुझे लगता है वापस ये काउंटर लगभग पंद्रह साढ़े पंद्रह सौ रुपये के रेंज में अगर मिलता है तो ये बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी हिंदुस्तान यूनिलीवर के बट फिलहाल अट्ठारह सौ बीस अट्ठारह के रेट पर मुझे ये काउंटर बहुत महंगा नज़र आता है यहाँ से काउंटर के अंदर एक गिरावट संभावित है और ये स्टॉक पंद्रह सौ की रेंज में आपको आने वाले महीनों में फिर से देखने को मिल सकता है इवन उससे कुछ और भी नीचे मिल सकता है बट 1500, 1550 विल बी द बेस्ट लेबिल और एटलीस्ट इतना करक्शन आना चाहिए क्योंकि जो प्राइस टू बुक है और जो प्राइस टू अर्निंग है वो काफ़ी हाई है तो ये दूसरा सूरमा शेयर है जो कि दिग्गज काउंटर ज़रूर है लेकिन आपको छोटी अवधि में अगर आप निवेश करेंगे तो हो सकता है कि आपको स्ट्रेस दे दे और आपको तकलीफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाए यहाँ से एंड गैम्बिल की बात करते हैं हम लोग लगभग पचानवे तो चौहत्तर रुपये का ये काउंटर है एंड गैम्बिल और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये देखिए ये आपको ट्रेडिंग पर्पज़ का तो स्टॉक है नहीं क्योंकि इसके अंदर जो आप वॉल्यूम्स देखेंगे वो वॉल्यूम्स बहुत कम है और प्रॉक्टर एंड गैम्बिल में अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट का नज़रिया रखते हैं तो आपको सही समय का इंतज़ार करना पड़ेगा यहाँ पर हम लोग प्रॉक्टर एंड गैम्बिल के बारे में बात करेंगे प्रॉक्टर एंड गैम्बिल में आप देखेंगे जो दिसंबर सिक्सटीन था दिसंबर यहाँ से हम लोग बात करते हैं दिसंबर सेवनटीन सेप्टेम्बर सेवनटीन एंड मार्च सेवनटीन मार्च सेवनटीन में आप देखेंगे हंड्रेड करोड़ का प्रॉफिट था वही मार्च एटीन में एट्टी थ्री करोड़ का प्रॉफिट रह गया जून सेवनटीन में सेवेंटी एट करोड़ का प्रॉफिट था वहीं जून एटीन में फोर्टी फाइव करोड़ का प्रॉफिट रह गया तो आप देखेंगे कि मार्च और जून के जो लास्ट क्वार्टर के मुकाबले इस साल मार्च और जून के जो क्वार्टर के नंबर्स रहे वो बहुत अच्छे नहीं रहे अग्रेसिव नहीं रहे हालाँकि सेप्टेम्बर क्वार्टर में काफ़ी अच्छा एक जंप दिखाया है सेल्स में और प्रॉफिट्स में भी तो इसीलिए कहीं ना कहीं स्टॉक यहाँ पर होल्ड पोजीशन बना रहा है बट मुझे लगता है कि ये स्टॉक में भी आपको गिरावट देखने को मिल सकती है प्रॉक्टर एंड गैम्बिल में अगर हम बात करते हैं तो सेवेंटी सेवन के पी पर ये काउंटर ट्रेड करता हुआ जबकि जो करंट मार्केट प्राइस और बुक वैल्यू है या प्राइस टू बुक है वो लगभग थर्टी टाइम्स यानी कि तीस गुना ज़्यादा थर्टी टाइम्स ये अपने बुक वैल्यू से ऊपर ट्रेड करता हुआ सो प्रॉक्टर एंड गैम्बिल में भी आपको कुछ करक्शन फेज देखने को मिल सकता है और मुझे लगता है कि आप आ इस काउंटर में अगर आपको निवेश करना है तो आपको थोड़ा सा और वेट करना चाहिए आपको ये स्टॉक भी करेक्शन प्राइस में लगभग आपको एट्टी फाइव हंड्रेड या लगभग तकरीबन 8800 एट हंड्रेड के आसपास मिल सकता है सो यहाँ से प्रॉक्टर एंड गैम्बिल के अंदर भी लगभग पाँच सौ सात सौ पॉइंट की आप गिरावट देख सकते हैं आ, जब भी मार्केट में एक अच्छी गिरावट का दौर स्टार्ट होगा वैसे भी मार्केट में अभी डिप के चांसेस बहुत ज्यादा है सो so, दोस्तों उम्मीद करते हैं कि इन तीनों ही शेयर्स पे आप नज़र बना कर रखेंगे क्योंकि ये तीनों ही स्टॉक्स अपनी बुक वैल्यू से काफ़ी हाई वैल्यू पर ट्रेड करते हुए कंसोलिडेशन होंगे कंसोलिडेट होंगे काफी टाइम तक किसी भी बड़े अपसाइड की एक्सपेक्टेशन इतनी जल्दी इन स्टॉक्स के अंदर मत कीजिएगा आप लोग हाँ अगर आप लोगों का निवेश का नजरिया अगले आठ से दस साल या उससे ज़्यादा है और आप चाहते हैं कि इन स्टॉक्स को आप आज परचेज करके अपने बच्चों या उससे आगे जनरेशन को पास ऑन करना चाहते हैं देन डेफिनेटली आप इसमें एस आई पी कर सकते हैं हर गिरावट पर हर महीने एक दो शेयर्स खरीद सकते हैं लेकिन अगर आप चाहते हैं इन स्टॉक्स में अगले छः महीने साल भर में कुछ बड़ा मुनाफा कमाना तो ये समय बेहतर नहीं है निवेश का इन तीनों ही स्टॉक में निवेश करने थे पहले आपको अगले कुछ महीने इंतजार करना पड़ेगा स्टॉक्स को अपना बॉटम बनाने दीजिए एक बार जब बॉटम फॉर्मेशन हो जाएगा तीनों ही काउंटर्स में जब एक कंसोलिडेशन कंप्लीट हो जाएगा तभी आप इसमें निवेश कीजिएगा अदरवाइज ये तीनों ही सुरमा आपको स्ट्रेस लेवल बहुत आपका बढ़ा सकते हैं आपका बीपी लेवल बढ़ा सकते हैं सो दोस्तों ये हमने बात की तीन ऐसे सुरमा शेयर्स के बारे में जो कि किसी भी समय आपके स्ट्रेस को बढ़ा सकते हैं सो कीप अलर्ट सावधान रहे ऐसा नहीं है कि आप दिग्गज स्टॉक समझ के गलत लेवल्स पर एंट्री ले लेंगे तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा आपको हर स्टॉक के अंदर एक सही लेवल एक सही स्ट्रैटजी के साथ निवेश करना पड़ेगा तभी आपको एक अच्छा मुनाफा और शानदार प्रॉफिट मिलेगा सो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग हिंदुस्तानी यूनिलीवर प्रॉक्टर एंड गैम्बिल एंड जिलेट इंडिया में निवेश करने से पहले एक डीप एनालिसिस करेंगे एक रिसर्च रिपोर्ट तैयार करेंगे और उसके बाद एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ एक एक सही लेवल आने पर जब एक अच्छा कंसोलिडेशन लेवल आ जाएगा तभी आप निवेश करेंगे जिससे आपका पैसा एक अच्छा रिटर्न आपको दे सके अगले वीडियो में जल्दी मुलाकात करते हैं कुछ और काउंटर्स के साथ कुछ और ऐसे शेयर्स के साथ जो कि आपको करक्शन फेज दिखा सकते हैं अभी फिलहाल हाई वैल्यू पर ट्रेड करते हुए तो दोस्तों देखते रहिए हमारे वीडियो और जुड़े रहिए हमारे साथ जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट सब्सक्राइब करें और अगर बेल का कितना प्रेस करते हैं तो आपको मेरे हर अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत ही मिलेंगे सबसे पहले मिलेंगे थैंक यू फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच